मिजूरी में अपने घर में टीवी पर नजर आने वाले अफगानिस्तान के मनाजिर देखकर साबिक अमरीकी फौजी स्टीव हचरसन शॉक में हैं। ये सब देखना बहुत कठिन है। आपने साइगान के जवाल और हर तरह की वीडियो देखी हैं और इन सब में एक होलनाक मुमासलत नजर आती है। जो कुछ हमारे पास है इसकी हिफाजत के लिए हमने इंसानी जानों और कौमी खजाने की बेपनाह कुर्बानी दी है और एकदम ये सब रायगा चला गया। अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में वापस जाना स्टीव के लिए एक जाती धचका है। 564, Roger, maintain BFR. वो उन पहले अमरीकी फौजी दस्तों में शामिल थे जो 2002 के अवाइल में अफगानिस्तान भेजे गए थे। वो बगराम एयरफील्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे और दहशत गर्दों के खात्मे के लिए लड़ाई और इमदादी मिशंस में शामिल इतिहादी जंगी तैयारों के मिशंस में मुआवनत करते थे। उनका ख्याल है कि अमरीका ने अपने मकासद को हासिल कर लिया है और इसका नतीजा ये है कि हम गुज़िश्ता 20 बरसों से महफूज हैं। ताहम वो ये भी समझते हैं कि अमरीका की अफगानिस्तान को एक जमहूरी कौम बनाने की कोशिश एक ऐसी जंग थी जिसमें कामयाबी नामुमकिन थी। आप एक नजरिए से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि नजरिए से मुकाबला हथियारों और साजो सामान से नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में मेरे लिए सदमे की वजह सब कुछ यूँ आनन फानन हो जाना है। रोंडा लॉसन ने अफगान हुकूमत के तेज जवाल को अमरीकी रियासत मैरीलैंड में अपने घर से देखा। तकरीबन 20 बरस पहले रोंडा का घर बगराम एयरफील्ड था। वो अमरीकी फौज के मोबिल पब्लिक अफेयर्स डिटैचमेंट की नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी। वहाँ उन्होंने एक नई अफगान नेशनल आर्मी की तरबियत के लिए अमरीकी कोशिशों का मुशाहिदा किया था। इससे मेरा नजरिया कुछ हद तक बदल गया है कि आया अफगान नेशनल आर्मी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार थी, और मैं नहीं जानती कि ये ना लड़ने का मामला है या उनकी नाकामी है, लेकिन तालिबान का इतनी तेजी से काबिज होना, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे लिए बहुत शशतर कर देने वाला था। हमने अफगान फौज की तरबियत पर एक गैर मामूली रकम खर्च की कि वो खुद अपने लिए लड़े, और इनको देख कर ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा करना भी चाहते हैं। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो खुद अपने लिए लड़ना नहीं चाहते तो हम वहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते। After 20 years, I don't think we... मैं नहीं समझता कि 20 बरस बाद भी हमें वहाँ अपनी फौज की मौजूदगी को बरकरार रखना चाहिए। Forces on the ground there. डैन मिल बावर ने अफगानिस्तान में दो तैनातियों के दौरान अमरीकी फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स में खिदमात अंजाम दी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। अफगानिस्तान जैसा मुल्क तारीखी तौर पर मुश्किलात का शिकार रहा है। सोवियत यूनियन ने अपनी कोशिश की, अब हमने 20 बरस तक ये कोशिश की कि चीजों को वैसा ही बनाया जाए जैसा कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन अगर तालिबान दोबारा इक्तदार में आते हैं तो उसकी भी एक वजह है, और हम मुस्तकबिल में जैसा मुनासिब समझेंगे जवाब देंगे। अफगानिस्तान जहां अब तालिबान का कंट्रोल नजर आता है, वहां गैर यकीनी मुस्तकबिल को देखते हुए लोग पनाह की तलाश में दीगर मुल्कों की जानिब जा रहे हैं, और अब भी वहां से लोगों का अखराज जारी है।